इसमें बताइए कौन सा का नोट है ये 500 की नोट है। चार लेयर की काली पट्टी प्लस रुई इनकी आंखों पर बांध दिया गया है। द्वारिकाधीश की हाँ चरण हाँ दिखाइए इसको, जूम कीजिए, शरण हाँ में हाँ फाग बाल तो जहाँ हाँ होली हाँ भरती हाँ है हाँ समृद्धि। अगर हाथ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे रब करता हूँ तो वो चीज मुझे स्पष्ट हो जाती है। अगर इनकी दोनों आंखों पर काली पट्टी बांध दिया जाए तो ये कुछ भी देखकर बिना देखे पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी तस्वीरें छपी हैं और ये कौन सा अक्षर लिखा है और क्या अक्षर लिखा है। जानकर आश्चर्य तब हुआ कि इनके पट्टी जब बंधी रहती तब ये पढ़ लेते, इसीलिए मैं आज बलिया जिले में आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है। ओम, क्या खासियत है आपके अंदर जिसके लिए मैं आ जाऊँ, जरा अपने बारे में बताएं। जी कोई खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि मस्तिष्क सक्रियण के माध्यम से मैं अपने आँख पर पट्टी बांध कर कुछ लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ और किसी चित्र को बता सकता हूँ। मतलब अगर हम आपको कोई भी चित्र देंगे या कोई भी अक्षर देंगे और आपकी आंख पर पट्टी बंधी रहेगी तो आप उसे पढ़कर बता देंगे? अवश्य। ये कैसे करते हैं आप? मतलब जानकर हमको आश्चर्य हुआ कि आंख बंद रहे और आप ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां आप कर लेते, कैसे होता है ये? मतलब ये एक मस्तिष्क सक्रियण का कोर्स कराते हैं मेरे पिता श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, जी तो उसी में मैंने भी ट्रेनिंग ली है और उसी के माध्यम से मैं ये कर पाता हूँ। आंख पे बांधिए पट्टी, कौन बांधेगा? पिताजी? कोई भी। ये बहुत सारा काला कपड़ा है और इधर रुई भी है, मैं विशाल से कहूंगा रुई को भी दिखाएं। दोनों आंखों पर रुई लगा दी जाती है ताकि कुछ भी, कोई भी अंक, कोई भी शब्द बिल्कुल ना दिखे। तो आंख पे पट्टी बांध रहे हैं इनके पिताजी और ये एक अध्यापक भी हैं, पिताजी के साथ साथ एक अध्यापक भी और लोगों को शिक्षा भी देते हैं। जो लोग शिक्षा यहाँ से ग्रहण करना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बलिया में है। पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, यहाँ से आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए विशाल जी, पट्टी बंध रही है, दिखाइए एक बार। जी बीच में रुई लगा दी। अच्छा, बीच में आपने रुई लगा दिया है, जी बांधिए पट्टी। अब पट्टी बंध गई है, काली पट्टी है और ये रुई लग गई है। दिख तो नहीं रहा है बाबू? कुछ दिख तो नहीं रहा होगा आपको? नहीं नहीं, और काली पट्टी है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है इनको। एक और बांधेंगे, मतलब दो पट्टी काली और अंदर रुई आंखों के अंदर। हाँ, ये दो लेयर की है। हाँ, ये दो लेयर और दो लेयर दो लेयर की और जो फोल्ड कर दिया मैंने इसको। हाँ, तो दो लेयर और हो गया, यानी चार लेयर की पट्टी इनके। चार लेयर की काली पट्टी प्लस रुई इनकी आंखों पर बांध दिया गया है, ओम की आंखों पर, और अब ये पढ़कर बताएंगे कुछ। इनको मैं न्यूज़पेपर दूंगा और ये पढ़कर मस्तिष्क से अपने दिमाग के दम पर आज ये हमको पढ़कर बताएंगे कि आखिर क्या लिखा है। हमारे पास एक न्यूज़पेपर है, चलिए आपको लगेगा कि मैं न्यूज़पेपर दिखाया हूं लेकिन मैं पलट देता हूं। चलिए मैं कुछ न्यूज़पेपर ऐसे पलट देता हूं ताकि इनको पता ना चले कि इसमें क्या है, और इसमें से एक न्यूज़पेपर मैं इनको निकाल के दे देता हूँ। चलिए अब ये न्यूज़पेपर है आपके हाथ में और इसमें बताएं जरा कैसे पढ़ेंगे, कैसे, ये लीजिए जी। कहाँ पे? जी ये पढ़ के बताइए जी। हाँ ये। हाँ ये द्वारिकाधीश हाँ की हाँ चरण हाँ दिखाइए इसको, जूम कीजिए, शरण हाँ में हाँ फाग। बहुत सही एकदम, अरे एक तो चमत्कार है एकदम से अंकल जी, ये हमको चमत्कार लग रहा है, मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है। कि जादू टोना लोग समझेंगे या मस्तिष्क का जो है विकास समझेंगे, क्या समझेंगे? ये शुद्ध रूप से विज्ञान है। ऋषि हाँ। मुनि पहले महात्मा जो थे वो पहले के वैज्ञानिक थे। हाँ। वो अपनी कुंडलियों को जागृत करते हुए आठवें चक्र को जागृत करते थे और उनका मस्तिष्क जागृत होता था जिसके माध्यम से वो ऐसा कर पाते थे। हाँ। वही चीज हम सीधे आज आठवें चक्र को, मस्तिष्क को जागृत करने का कार्य करते हैं अपनी साधना के माध्यम से। हाँ, ध्यान से, योग से और कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से, तकनीकों का सहारा लेकर के हम ऐसा कर पाते हैं।
मैं ओम से एक और चीज मैं पूछूंगा। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया और मैं आज मैं शायद अपने आप को बहुत निम्न मान रहा हूं, क्योंकि एक बच्चा जिसकी आंख पर चार लेयर पट्टी बंधी है और इसके बाद काली पट्टी और रुई भी भरी हुई है उसके अंदर, और उसने अपनी उंगलियों के बल से और दिमाग की शक्ति से पढ़कर बता दिया कि न्यूज़पेपर में आखिर क्या लिखा है। चलिए मैं आपकी उंगली स्पर्श करवाता हूँ यहाँ पर, इसको पढ़ के बताएं जी यहाँ पे जी। जहाँ हाँ होली हाँ धरती हाँ है हाँ समृद्धि हाँ से हाँ आदिवासियों हाँ की झोली। बाप रे बाप, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इसे हम बोलेंगे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो हमने कर दिखाया है, और इसीलिए भारत को महान बताया गया है। द्वापर त्रेता में बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, ध्यान केंद्रित करते थे, और उनके जो है उनके शरीर में दीमक लग जाता था ध्यान केंद्रित करते करते, और तब वो ऐसी जानकारी हासिल कर पाते थे। आज मैं कुछ इनको नोट भी दूंगा और नोट पर अंक जो लिखा है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस पर क्या नंबर लिखा हुआ है। नोट का नंबर होता है और मैं विशाल से कहूंगा एक बार आके दिखाएं, और यहाँ पर कुछ नंबर है इसको भी ये लीजिए। हाँ कितने का नोट बताना पड़ेगा? नहीं नहीं आप पूछिए। हाँ ये लीजिए, नोट लीजिए और बताइए कितने का नोट है। अच्छा जी, चलिए ये जूम कर दीजिए पूरा। ये इनके पहले तो आंखें उधर हैं और आंखों पर पट्टी बांधी, और नोट का नंबर आंखों पर पट्टी बांध कर ये बताएंगे। चलिए कितने का नोट है पहले तो ये बताएं। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? ये जो चीजें कई कुछ मल्टीपल कलर्स में होती हैं जी, उसको मैं अगर हाथ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे रब करता हूँ तो वो चीज मुझे स्पष्ट हो जाती है। मतलब बालों पे रब करने से? जी, सर पे रब करने से पीछे हाँ ये स्पष्ट हो जाता है। हाँ। रूप से जी। चलिए अब इसमें बताइए कौन सा का नोट है? ये 500 की नोट है। हाँ 500 का? हाँ एकदम सत्य बोल रहे हैं? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ये 500 की नोट है। बिल्कुल सही, ये 500 का ही नोट है, और कहीं ना कहीं समझ से बाहर है। आज थोड़ा मुझे अपना कॉमन सेंस अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये 500 का नोट है और आप देख सकते हैं, और ओम की आंखों पर पट्टी है और इन्होंने इस नोट को बता दिया कि ये 500 का नोट है। अब इसका नंबर बताइए, बाल पे दिखाइए, जूम कीजिए। 2HL826843। बिल्कुल सही भाई, एकदम सही, पूरा एकदम जो है सही जवाब आपका रहा, और आपने बिना देखे नोट का नंबर स्पष्ट तरीके से अच्छे तरीके से बता दिया है, और ये फिर भी जो है चमत्कार, हम कहेंगे ये फिर चमत्कार हुआ है। हम अपने जीवन में आज एक ऐसे पुरुष के पास बैठे, एक ऐसे बालक के पास बैठे हैं जो अपने आप में एक चमत्कार हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता ये चमत्कारी शक्ति इनके अंदर कैसे आई, मुझे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने जो भी सवाल इनसे पूछा है, जो भी चीज़ें दी हैं, उन्होंने स्पर्श करके आँख पर पट्टी बांध कर वो चीज़ें स्पष्टता के साथ पूर्णतया सही बताई है। बताएं इसमें हो क्या रहा है? शायद कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं, स्टेज शो कर रही है, डांस कर रही है। बिल्कुल सही जवाब है ये भी। आज मैं हार मान गया हूँ, कहीं ना कहीं ये विद्या ऐसी है जिस विद्या को पाने के लिए लोग बरसों क्या सालों तपस्या करते हैं, और ये कैसे हुआ, किससे हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तमाम सवाल है जिसको मैं जानने का प्रयास मैं कर रहा हूं, और जो जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं और स्पष्ट तरीके से सत्य हैं। और अगर आपको ऐसी शिक्षा लेनी है, और अगर आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, आप कहीं से भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, खासकर बलिया से या उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी कोने से, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।